भारत का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड जो गुजरात के अलंग सिटी में आया हुआ है। आज मैं अलंग आया हुआ हूँ दोस्तों, और यहाँ दुनिया भर के जहाज टूटने को आते हैं। जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो टूटने को आते हैं, और यहाँ जो जहाज में सामान रहता है वो बहुत लो प्राइस यानी चीपेस्ट प्राइस में यहाँ मिलता है। जहाज टूटते हैं, बहुत सारा अंदर का सामान होता है, फर्नीचर ले लो या टेबल कुर्सी, किचन का सामान, टूल्स मशीनरी, कोई भी जहाज में जो कुछ भी सामान लगता हो सब यहाँ कौड़ियों के दाम मिलता है। अभी मैं आया हूँ यहाँ नीचे प्लॉट में आया हुआ हूँ, जो खाली प्लॉट है। मेरे पीछे आप देख सकते हो समंदर है, इस साइड आप देख सकते हो जहाज टूट रहा है, मेरे अपोजिट साइड भी जहाज टूट रहा है। यहाँ कोई प्लॉट परमिशन नहीं देता कि आप जहाज के पास जाके आप वीडियो शूट कर सको, क्योंकि वहाँ जहाज टूटता है तो बहुत सारा खतरा रहता है, तो कोई स्टाफ मेंबर के अलावा किसी को परमिशन वो लोग नहीं देते। तो आपको अलंग विजिट करना हो तो आप भावनगर आ सकते हो। भावनगर आने के लिए गुजरात में अहमदाबाद, और अहमदाबाद से करीबन 230 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप ट्रेन में आओगे तो लास्ट स्टेशन है भावनगर, भावनगर टर्मिनेट, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर आया है ये अलंग सिटी। तो यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको, दुनिया का हर सामान आपको मिलेगा, यानी ब्रांडेड कंपनी के आइटम जो जहाज़ में लगते हैं वो सभी चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी, और आप चीपेस्ट लोवेस्ट प्राइस में आप उसे खरीद सकते हो। अगर आपको उसकी नॉलेज है, उसकी पहचान है, तो आप उसे आसानी से खरीद सकते हो। यहाँ बहुत सारे प्लॉट है, और प्लॉट में जो जहाज से निकला हुआ सामान होता है वो लोग खरीद के बेचते हैं, यानी वो बेचते हैं। तो हम कुछ प्लॉट के विजिट करेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको कि किस चीज़ की कितनी प्राइस है, किस किस प्राइस पे वो सामान मिलता है। अगर हमें ठीक लगे, हमारे काम की चीज़ होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो थोड़ी टाइमलाइन मैंने शूट की है, तो इसको एंजॉय कीजिए और आगे वीडियो को मिलते हैं। अभी दोस्तों आप जो देख रहे हो वो सब अलंग सिटी में आए हुए प्लॉट है, बहुत सारे प्लॉट है यहाँ, करीबन 10 किलोमीटर के आसपास में सब प्लॉट है। तो यहाँ हर कोई सामान मिलता है, हर कोई प्लॉट अलग अलग है। तो आप साइड से देख सकते हो कि यहाँ मशीनरी भी मिलती है, टूल्स भी मिलता है, प्लाईवुड भी मिलता है, फर्नीचर भी मिलता है, होम किचन का सामान भी मिलता है। अगर आपको अपने लिए कुछ सामान लेना हो तो यहाँ जो शिप में यूज़ किया गया सामान होता है वो सामान यहाँ मिलता है, ब्रांडेड सामान होता है, दुनिया भर का हर ब्रांडेड सामान यहाँ आपको मिल जाता है। अगर आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो तो अच्छे प्राइस में आप उसे परचेस कर सकते हो बड़ी आसानी से। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे घर के लिए कुछ सामान लेना है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। पर हमारा चैनल है मिकेनिक का, तो हम आपको जो टूल्स के प्लॉट होते हैं उसे मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ विजिट करके आपको बताऊंगा कि हर टूल्स यहाँ मिलता है, नया पुराना बहुत सारे अलग अलग, या टॉप मिलते हैं, रेचर, टॉमी, कटर, ग्राइंडर, वॉशिंग पंप, वॉश करने के लिए पंप, और वेल्डिंग मशीन, बहुत सी जो भी मशीन भी लगती है वो। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अलंग में, तो यहाँ बहुत सारे प्लॉट है,
और प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो लोहे का सामान होता है, जो ज़्यादातर शिप में यूज किया जाता है, वह सामान आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, बहुत सारे दुनिया भर का हर कोई सामान यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जहाज़ भी दिखाऊंगा, जहाज़ कैसे टूटते हैं वो भी दिखाऊंगा। यह एक और टूल्स का प्लॉट है। यहाँ भी आपको देख सकते हो, वेल्डिंग मशीन है, वॉशिंग पंप है, ऑटो वॉशिंग पंप है, ब्लोवर है, ग्राइंडर मशीन है, एयर इंपैक्ट है, ट्रक खोलने का इंपैक्ट है, बहुत सारी जो मोटरें होती है वो भी होती है यहाँ, नई है पुरानी, वायर केबल भी आपको मिल जाएगी, टूल्स यानी सब कुछ सामान यहाँ मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ टूल्स का जो प्लॉट होता है उसका विजिट करके आपको उसका ही दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ, मेरे घर के लिए सामान लेना है, वो मैं ख़रीदने आया हूँ। तो जितना हो सके उतना मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ टूल्स ख़रीदना का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ टूल्स का बताऊँगा। ये जो एयर इम्पैक्ट का मैंने अभी प्राइस पूछा तो उसने 2300 बताया। यहाँ आप देख सकते हो, टॉप भी मिलता है, हर कोई टॉप मिलता है, टूल्स भी है, नया पुराना सब कुछ मिलेगा यहाँ आपको। ड्रिल मशीन से लेकर ग्राइंडर मशीनरी की टोटल आइटम यहाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है जो चाहिए आपको। और जो भी आप ये देख सकते हो, जो जहाज कटिंग होते हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें, आप देख के दंग रह जाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ होती है, आप देख सकते हो ये जहाज़ में काम होता है वो है। यहाँ कोई प्लॉट के अंदर विजिट करने नहीं देता, अगर जान पहचान हो तब आपको विजिट करने को मिलेगा, जहाज़ पे जाने को भी मिलेगा, वरना आप बाहर से देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो। यहाँ जो नीचे एक जगह पे हम आए थे, तो आप देख सकते हो कि जहाज़ को बांधने के लिए जो लोहे के साकल है वो है। यहाँ नीचे कुछ जगह पर खुले प्लॉट है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ जाके समंदर देख सकते हो और जहाज़ को थोड़ा दूर से देख सकते हो, पास नहीं जा सकते हो। अगर आपकी जान पहचान है तब आपको वहाँ जाने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। मैं आपको दूर से उसका नज़ारा दिखा सकता हूँ, अंदर हमें परमिशन नहीं मिली, बहुत ट्राई किया पर कहीं परमिशन नहीं मिली। अगर परमिशन मिली होती तो मैं आपको ज़रूर से दिखाता। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट में बताना ज़रूर। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लेना। नमस्कार।